अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ये जो आपने शुरू में एक पिक देखी है वो मेरे अपने पौधों की है और वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था व्यूअर्स, तो मैंने सोचा कि ना आपको भी दिखाया जाए। ये जो करेले हम दिखा रहे हैं ये हमने बिल्कुल आउट सीज़न लगाए थे, मतलब कि जब इसके सीडलिंग का सीज़न भी नहीं था हमने तब लगाए थे। तब तो हमें नहीं था पता कि किस मौसम में लगाने हैं, लेकिन जब हमने लगा लिए थे तो फिर हमें मालूम हुआ कि ये गर्मियों के उस सीज़न में लगाते हैं, यानी कि हम इनको फरवरी में लगाएंगे। अभी तो बिल्कुल जनवरी का स्टार्ट है, इसी वजह से मैंने कहा कि चलो अब ये करेले हम ख़त्म करने वाले हैं तो आखिरी दफ़ा आपको दिखा दिए जाए। इसमें इस वीडियो में मैंने और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये सिर्फ करेले ही नहीं हैं व्यूवर्स। एक बात और याद रखिएगा कि ये करेले हमारे अपने घर के बीजों में से हैं। ये जब हमने एक दफ़ा करेले पकाए थे तो उनके सीड्स निकाल लिए थे, तो हमने कहा चले एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसका एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा व्यूवर्स। ये देखिए, मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि ये जो हमने करेले घर के बीजों से उगाए हैं, वैसे मुझे तो बिल्कुल भी 0% उम्मीद थी कि घर के सीड से उगेगा भी, लेकिन इसने तो 100% अपना रिजल्ट दिखाया है व्यूवर्स। ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया है इस पर कितने बेशुमार करेले उग रहे हैं, और इनमें से बहुत ही अभी छोटे छोटे हैं जो आपको अभी इस कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे। ये देखिए, ये तो दोनों इकट्ठे ही हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं मोटे मोटे से करेले, माशाल्लाह। ये देखिए व्यूवर्स, ये देखिए। अब इसी के साथ ना मैं आपको अपना एक और एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सौंफ का पौधा खुद उगाया था। ये भी जो घर की सौंफ होती है ना, उसके चंद बीज मैंने इसमें डाल दिए थे और फिर आगे ऊपर इसको कवर करके फिर ऊपर पानी का स्प्रे कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं था कि ये उगेगा। ये सब के सब मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये देखिए व्यूवर्स, लेकिन ये उग गया है। ये तो जनवरी के स्टार्ट की वीडियो है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब सर्दी होती है, तो ये सारे पौधे थोड़े थोड़े मुरझाए हैं, जैसे इनको ठंड लग रही हो। ये देखिए, ये एक हमारा करेला येलो हो चुका है। इनमें से अक्सर करेले हमारे गुलेरी खा गई है। और ये देखिए व्यूवर्स, एक और ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट मेरा ये था कि ये देखिए, ये पालक के बीच हैं, ये पालक, ये देखिए ये पालक कितनी प्यारी लग रही है व्यूवर्स। ये पालक मामा ने बीजों से उगाई थी, और जो उनसे ये पालक उगती है हम इसको खुद हार्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ी है ना, ये इतने पकड़े हुए नहीं आएगी। ये हमने अपने चिक्स रखे हुए हैं, चूज़े और मुर्गियां, हम उनको काट काट के डाल देते हैं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जब इसका सीज़न आए तो हम इसको क्यारी में लगाएं। और ये हमारा है चौथा और फाइनल एक्सपेरिमेंट, ये है हमारी मूली का एक्सपेरिमेंट। ये देखिए व्यूवर्स, ये मूली, अक्सर मूलियाँ जो हैं अभी काफ़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी जो मूलियाँ हैं वो हम उतार के वक्तन वक्तन खा चुके हैं। ये देखिए ये मूली, ये देखिए ये मूली, मुझे लगता है राउंड हुई हुई है, और इसके राउंड होने का ये मतलब है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी जो सी लेयर है वो थोड़ी कम है। अगर मिट्टी ज़्यादा होती तो ये मूली बिल्कुल सीधी बनती। ये देखिए व्यूवर्स, लेकिन जब हमने ये मूली खा कर देखी थी ना, तो ये बहुत ही मीठी मूली थी, इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं थी व्यूवर्स। ये तो अभी एक है, अभी एक दो और निकलेंगी, और इनसे पहले भी हम बहुत सारी मूलियाँ खा चुके हैं, और बहुत सारी अभी छोटी छोटी हैं व्यूवर्स। ये देखिए, इस मूली में हम, इस मूली की जो सी हमारी मिट्टी है ना, वो इसमें हम घर की खाद डालते हैं। ये देखिए, घर की खाद में जैसे हमारा सारा किचन वेस्ट एक्स्ट्रा होता है, उसको हम सब एक डिब्बे में बंद कर देते हैं काफ़ी देर तक, और फिर जब वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है तो इसका मतलब कंपोस्ट यानी कि हमारी घर की खाद रेडी है। ये देखिए व्यूवर्स, एक और मूली है,
ये भी थोड़ी सी राउंड निकली है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसका सरफेस एरिया था वो थोड़ा कम था। ये इन तीन दोनों से कम से कम बेटर तो निकली है ना। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए, ये देखिए, और ये है हमारी एक और मूली। लेकिन ये देखिए व्यूवर्स, ये अभी, ये देखिए, इनमें से अक्सर जो सी मूलियाँ होती है ना, जब वो निकलने के काबिल नहीं होती ना, तो उनकी वो जो सी वाइट कलर की जो सी मूली होती है वो थोड़ी छोटी और पतली होती है, जिससे पता लगता है कि अभी निकलने के काबिल नहीं है। और अगर मूली एक एक इंच, 1 से 1.5 इंच आपके सरफेस एरिया के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी मूली बिल्कुल रेडी है, खाने के काबिल है, तो आप उसे हार्वेस्ट कर लीजिए। ये देखिए, जैसा कि ये मूली निकलने के काबिल नहीं थी, और ये बहुत सी छोटी छोटी मूलियाँ हैं जो अभी थोड़े ही देर पहले हमने इनके बीज लगाए थे, सीड्स लगाए थे। ये देखिए व्यूवर्स, हम जौन जौन सी मूली निकालते जाते हैं, उसकी जगह दूसरा बीज डालते जाते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी तीनों मूलियाँ जो निकल कर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें खाएंगे, और काश कि मैं ये मूलियाँ आपके साथ भी शेयर कर सकती, लेकिन अब क्या करें। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।